Hey guys, welcome back to the channel again. स्वागत है सभी का एक और नए व्लॉग के अंदर. एंड ठंड का टेम्परेचर भी देख के बताता हूँ क्योंकि उसी फोन में नेट चल रहा है जिससे मैं व्लॉग बना रहा हूँ और किसी फोन में नेट नहीं चल रहा है बिल्कुल भी. और अपना रूम भी हमने चेकआउट कर दिया है जो हमने रूम लिया था यहाँ पे ले में आने के बाद. और वो खड़ी अपनी गाड़ी, गाड़ी की हालत तो तुमने कल वाले व्लॉग में देख ही ली होगी कितनी गंदी हो चुकी है, कितनी ज़्यादा गंदी. पर कोई नहीं, अब दिन में देखो अब दोबारा से. ये है भाई गाड़ी की हालत. और ये गाड़ी मतलब इस तरीके के होने के बाद ही बताती है कि हाँ लद्दाख आ गई है, लद्दाख जा रही हूँ या लद्दाख से होके आई हूँ. तो गाइस सारा काम कुछ करके हम निकल दिए अपनी गाड़ी को उठा के ले मेन मार्केट. सबसे नो एंट्री है यहाँ तो लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा. गाइस ये देखो भाई, इन दोनों ने भी आज सेम उड़ी पहनी है बट मेरे पास ऐसी थी नहीं तो अपन नई वाली पहन ली. एंड ये रही मेन मार्केट है ऊपर. खाना देखेंगे कई बढ़िया जगह देख के खाएंगे. ये रही मेन मार्केट ऊपर. एंड गाड़ी पार्किंग करनी तो भाई मेन मार्केट के बिल्कुल साइड में तिब्बत मॉल वाली वो दिख रही है तुम्हें रास्ता जा रहा वहाँ पे है ना पार्किंग थोड़ी सी आगे जाके है वहाँ तुम पार्किंग कर सकते हो अपनी गाड़ी के मात्र 30 रुपीज में. कोई ज्यादा भी नहीं लगते पार्किंग चार्जेस. ये लो जी ये है मेन मार्केट जो आपने व्लॉग रील्स हर जगह देखी होगी. गाइस ये जो मार्केट है जिसमें हम घूम रहे हैं इसमें आधी ज़्यादा दुकानें बंद पड़ी है भाई, ना ही कोई क्राउड है ना ही कुछ है. और टाइम देखो, टाइम दिखाऊँ भाई 11:45 टाइम हो रहा है. एयरप्लेन उड़ रहा है उसकी आवाज़ आ रही होगी बहुत तेज तेज. बाकी हमने है ना बड़ी मुश्किल से अपना ब्रेकफास्ट वेकफास्ट कर लिया सारी चीज़ें. एंड अब हम जा रहे हैं ले पैलेस. अब आपको सबसे पहले घुमाता हूँ ले पैलेस. ढंग से मैं तो पहले सोचा कि ले मार्केट ढंग से दिखाऊँ बट यहाँ पे आज दुकानें ही नहीं खुल रही, कोई सी दुकानें नहीं खुल रही, सब बंद पड़ी है. देखो बंदी बंद पड़ी है. लो जी देखो जी पूरा ले लद्दाख यहाँ से आपको प्रॉपरली विजिबल हो रहा है. हम जा रहे हैं ले पैलेस जो कि वहाँ पे है वोरा ले पैलेस. और हमने पूरा रास्ता है ना यहाँ से लेकर नीचे वहाँ से लेकर पूरा ट्रैक करते हुए आए हैं पूरा रास्ता. गाड़ी अपनी लेके नहीं आई क्योंकि कैलोरीज बर्न करनी है गाइस, चाहे कितना ही घूमने आओ पर हेल्थ इज इम्पोर्टेंट. भाई गंदी फट गई यार पर कोई नहीं कर रहे हैं. एंड व्यू आर पार का भाई मस्त व्यू. ऐसे व्यू कोई पैसे है बस घूमने के. कुछ पैलेस की एंट्री बाहर स्पीकर वगैरह लग रखे हैं कोई अनाउंसमेंट वगैरह के लिए. एंड रात को लाइट शो के लिए लाइटिंग्स के लिए ये स्पॉटलाइट लग रखी है. और मस्त है यार रास्ता यहाँ आने का, पूरे लाइटिंग जलती है भाई यहाँ रात को. रात का हो तो सीन देखने लायक बहुत अच्छा है. अभी चलते हैं अंदर पैलेस की एंट्री कराते हैं. फीस पास का मैं तुमको सारी चीजें बताऊंगा अभी व्लॉग के. गाइस ये है ले पैलेस की गैलरी और यहाँ वीडियो अलाउड नहीं है पर मैं तुम्हारे लिए फिर भी वीडियो बना के दिखा रहा हूँ. और जो पिक्चर्स आप दिख रही है ना आपको सामने ये सब 450 साल पुरानी पिक्चर्स है. देखो ऐसा था पहले ले. सारी 18th-17th century की फोटो. हाँ जी. और जो ले पैलेस बना है वो बना था 17th century में जो कि देख लो तुम कितने साल पुरानी सेंचुरी हो गए, कितने साल से. और ये मिट्टी का बना हुआ है, 400 साल पुराना. हाँ 400 साल 21वीं में हम. हाँ 21st में हम 17 बनी थी. और क्या बोलते हैं देख लिखा भी है वहाँ पे ले पहले पढ़ सकते हो अगर तुम एक बार स्टॉप करके, कोई दिक्कत नहीं है. और ये उनके लिए बना था कुल्लू के रॉयल पीपल रॉयल फैमिली जिसका टॉप फ्लोर है वो सब राजा लोगों के लिए था. ये नीचे वाले फ्लोर में पेंटिंग्स वगैरह थी और एक बीच वाला फ्लोर सर्वेंट के लिए. तो अभी टॉप फ्लोर में भी चलेंगे, आपको टॉप फ्लोर भी दिखाऊंगा पूरा. देखो ये लिखा ना ओवर 400 लिखा है प्लीज माइंड योर हेड. उज्ज्वल भाई क्या हो गया? माइंड नहीं माइंड करना भूल गया अपने हेड को टिका टैट बड़ी अलग से. यहाँ पे जूते बाहर उतार के जाना है क्योंकि हम जा रहे हैं पवित्र स्थान के अंदर. बाहर भी लिखा हुआ है तो प्लीज इस चीज को देख के करना. एंड ये लो इनका क्या होगा भाई, ये इनका जैसे हम घर में मंदिर बनाते हैं ना, ये इनका घर का मंदिर है, पैलेस का मंदिर. दलाई लामा की फोटो लग रही है और पूरा पीछे जोत भी जल रही है. और यहाँ चूहे दौड़ रहे हैं. सिस्टर बचा वो है ये वाले, उन्होंने डॉलर भी डाल रखे गुल्लक में. देखो कोई आया होगा फॉरनर, डॉलर भी डाल रखे, 10 रुपए हम भी डाल रहे हैं. गाइस ये है ले पैलेस का 9th floor. और देखो भाई पूरी यहाँ से लद्दाख ले टेरिटरी हमको दिखती है बढ़िया ढंग से. और ये जो पहाड़ है ये सब अपनी टेरिटरी के पहाड़ है, सब अपने अपनी है. बट ये वाले जो पहाड़ है ना वहाँ पे आर्मी खड़ा होती है, आर्मी उस साइड खड़ी होती है, इस साइड भी होती है बट उस साइड भी आर्मी होती है क्योंकि उधर चाइना बॉर्डर पड़ता है. इन कुछ कई कई हजार किलोमीटर बाद चाइना बॉर्डर पड़ेगा वहाँ पे. तो ये पहाड़ क्रॉस करना भाई सहज बात नहीं है, बिल्कुल ठंड हो रखी है और बहुत
बढ़िया ठंड हो रखी है और वहाँ तो बर्फ और पड़ रखी है उन पे, दिख रहा हो तो। अभी हम फोटो वगैरह खिंचवाते हैं एंड आप लोग भी विजिट कर सकते हैं। ले पहले से इन्फॉर्मेशन लेने वाली चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, पर फिर भी मैंने कुछ क्लिप्स रिकॉर्ड करी है एंड अपलोड भी कर दिया, आप लोग देख लो उन चीज़ों को और समझ जाओ। तो गाइज हम निकल दिए अपने संगम लेक के व्यू पॉइंट देखने, और ये इतनी दूर है संगम लेक, लेक उससे आधा घंटा दूर है और उस साइड है संगम लेक, और बहुत अच्छी लेक है। जैसा है ना हरिद्वार में है ना वैसी लेक, नहीं केदारनाथ से पहले रास्ते में पड़ता है एक संगम। हाँ केदारनाथ से पहले दो है, दो लेक यहाँ तीन है, यहाँ पे तीन नदियों का संगम मिलेगा। हाँ यहाँ पे इंडस रिवर और जनकर रिवर, ये दो मिलके संगम लेक बनेगी, संगम रिवर बनेगी। तो बहुत अच्छा सीन है, तुमको दिखाएंगे। और वहाँ पे अगर राफ्टिंग का होगा, अभी खुला मेरे हिसाब से तो मुश्किल है, ठंड हो रही है, अगर खुला हुआ तो राफ्टिंग वाला भी सीन देख लेंगे, वहीं जाके देखेंगे, अभी तो पहले लेक देख। गाइस हम आ चुके हैं संगम रिवर पे, और ये तुमको दिख रहा होगा सीन संगम रिवर का। हम ऊपर व्यू पॉइंट पे जानबूझ के आया हूँ तुम लोगों के लिए, अभी हम वहाँ नीचे भी चलेंगे। मैं यहाँ से ऊपर का तुम्हें व्यू दिखाने के लिए आया था। जो वो वाली रिवर है वो है जंस्कर रिवर, और ये वाली इंडस रिवर, ठीक है। ये दोनों मिलके संगम रिवर बनती है यहाँ पे आके, और दोनों का कलर में आपको डिफरेंस तो दिख ही रहा होगा, यहाँ से पता लग रहा होगा, देखो दोनों कलर अलग अलग है रिवर्स के। ये है मैग्नेटिक हील, और हम आ चुके हैं मैग्नेटिक हील एक बारी अपनी गाड़ी को टेस्ट करने के, काम करते हैं नहीं करते। ये येलो लाइन है, आप मैग्नेटिक हील पे आओगे ना येलो लाइन, तो एक बारी तो है ना रोक भाई गाड़ी रोक, बंद है गाड़ी बंद कर दूं भाई। अभी देखो गाड़ी न्यूट्रल पे, हैंड ब्रेक हटा रखा है, ब्रेक छोड़ रहा हूं मैं, ब्रेक छोड़ दे, पैर वैर सब चीज हटा दिए, येलो कोई डला नहीं है, सीधा रोड है, तुम्हें भी यहां से दिख रहा है बिल्कुल सीधा रोड है और चल रही है गाड़ी। ये है भाई मैग्नेटिक हील है, ले भाई रोक ले, रोक 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 भाई, प्रॉपर मैग्नेटिक हील का सर है, देख लो तुम्हारे आगे लाइव टेस्ट करा हमने अपनी स्कॉर्पियो एन के साथ। गाइस हम अब अपनी सेकंड लोकेशन पे जा रहे हैं जो कि है हॉल ऑफ फेम ले, और ये भी बहुत अच्छी मेमोरियल एरिया है देखने लायक, अभी तुमको अंदर से दिखाऊंगा। यहाँ पे भी मैं ना लगभग चीजें शूट नहीं करता क्योंकि आर्मी वाले लोग होते हैं अंदर, और वो लोग मना कर देते हैं कि उनको शूट मत करो, इसलिए लगभग चीजें नहीं हो पाएंगी, बट जितना होएगा उतना दिखा दूंगा, जैसे ले पैलेस का मैंने दिखा दिया। गाड़ी की हालत देखो गाइस बहुत गंदी, और हम पहुंच चुके हैं हॉल ऑफ फेम ले में। संगम लेक आपको दिखा दी, ले पैलेस दिखा दिया, अब आपको दिखाते हैं हॉल ऑफ फेम, जितना रिकॉर्ड करने देंगे उतना दिखा दूंगा आप लोगों से। बाकी बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज है अंदर यहाँ पे मिलिट्री के ऊपर, तो अभी अंदर चलते हैं, मैं आपको प्राइसिंग वगैरह बताता हूँ, टिकट वगैरह की जो जो होती है जो जो नहीं होती सब चीज़ बताऊँगा आपको मैं। भाई ये पुराने टाइम के बर्तन भांडे हैं सारे, ये पॉट वगैरह जिसमें सब्जियाँ बनती थी वो हो गया, सब कुकिंग पॉट्स हैं ये सारे के सारे। एंड इस साइड आएंगे तो ये एक स्पेशल टाइप की वो है जिसमें चाय बनती है, गुरगुर चाय जो कि स्पेशलिटी होती है लद्दाख की। एंड ये सब याक जो होते हैं ना हल चलाने वाली चीज़ें, वो ये देख लो तुम, यहाँ पे पता चल जाएगा तुमको इस तरीके किस इनको लोड करा जाता था। एक ये बेल्ट होती है घोड़े को पकड़ने के लिए, एंड वो बेल्ट होती है यहाँ लगाने के लिए, तो ये सब बेल्ट वगैरह इस याक की। एंड इधर आते हैं तो ये सब कप है जिनमें चाय वगैरह पी जाती है, फिर पानी पिया जाता था पहले टाइम का, ये सब वो चीज़। यहाँ पे भी सब ओल्ड टाइम के सारे बर्तन वगैरह रखे हैं यहाँ पे, और ये चीज़ें हैं काइंड ऑफ डेकोरेटिव मटेरियल कह लो इनको, जैसे वो घर में दीवार पे लगा लिया पुराने टाइम में, ये देख लो ये जो हाँ ट्रेडिशनल जो इनकी एक्टिविटीज़ होती है उसमें यूज होते हैं, मास्क वगैरह जो ये लगा के घूमते हैं ऐसे, ये टोपी ये बर्तन ये सब चीज़ें। एंड ये इनके ट्रेडिशनल क्लोथ्स हैं जो ये लोग पहनते हैं जब इनका कोई ट्रेडिशनल इवेंट होता है, उस टाइम के क्लोथ्स हैं इनके पुराने जमाने के। ईस्ट लद्दाख वॉरियर लोगों के ये कोट्स रहे करते, और वेस्ट लद्दाख वाले लोगों के ये चीजें रहेगी, ये कपड़े रहते थे। एंड इधर आ जाएंगे सारा वो मटेरियल है, क्या बोलते हैं उनको, हल जोतने वाला टाइप मटेरियल है सब यहाँ का। ये सब आर्मरी एरिया है जहाँ पे तलवार रखी है, बो रखा है, वो रखा है क्या बोलते हैं एक्स रखी है, शील्ड, ये बुलेट प्रूफ जैकेट है, वो लेदर कैप है जिससे सेफ्टी रहे पूरी वॉर के टाइम। एंड इधर आ जाएंगे तो उस टाइम की बोल्ट एक्शन राइफल, बिल्कुल देखो भाई
असली राइफल है जो रख रखी है यहाँ पे जितनी भी है, और उससे गन पाउडर रखा जाता था उसके अंदर जो राइफल में लोड करके मारने के लिए। और ये गन पाउडर है कंटेनर, ये भी और एक वो भी, दोनों नारू इसके अंदर रखते थे, उसमें रख के चलाते थे। इसको नारू बोलते हैं, इसको और उसको दोनों को। ये बोल्ट एक्शन राइफल उससे भी पुरानी है। ये जनरल जोरावर सिंह जी जो कि अब तो शहीद हो गए हैं, उनकी वो लगा रखा स्टैचू। गाइस ये सर्टिफिकेट वगैरह जो कि मेजर चंद हरी को मिले थे, हरिचंद को, और मेडल्स भी। यहाँ पे आपको जितनी भी वेपन्स रखे दिख रहे हैं सब पाकिस्तान, जब इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी तो इंडिया चाइना के ये वाले चाइनीज वेपन है, ये वाले पाकिस्तानी वेपन है सारे, ये भी पाकिस्तानी वेपन है, और वो भी ग्रेनेड लॉन्चर, हैंड लॉन्चर, आरपीजी लॉन्चर, ये सब। एंड ये गन है MG-1A मशीन गन। गाइज ये देखो वॉर मेमोरियल लद्दाख का, एंड सामने लिखा भी हुआ है उनकी मेमोरी में बनाया हुआ है, जो लोग नेशन के लिए लड़ने तो गए पर वापस नहीं आए, शहीद हो गए 1947 के अंदर। और ये हमारे सारे फ्लैग्स हैं आर्मी के एंड इंडिया का, और इन सब का नाम भी लिख रखा है, सब जवानों का नाम लिख रखा है यहाँ पे वॉल पे। हमें रेड लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं तो मैं आप लोगों को वहीं पास जाके दिखाता। एंड भाई गाइस सल्यूट है यार सब जो शहीद हुए हैं और जो अभी बॉर्डर पे खड़े हैं हमारी सेफ्टी के लिए, भाई उन सबको सल्यूट है भाई कसम से। कल का कुछ नहीं पता कि कल उनको घर वापस आना है, अपने माँ बाप परिवार बीवी बच्चे जो भी है भाई बहन उनसे मिल भी पाएंगे नहीं मिल पाएंगे, उनका मतलब ये है आज है जिंदा तो वही है बस उतना, ना एक घंटे बाद का भी नहीं पता उनको। तो भाई अपन लोग तो एक दिन भी वैसा नहीं कर सकते कि अपना एक घंटे बाद गांव में नहीं पता हो, अपने माँ बाप से नहीं मिल पाना, अपनी फैमिली से दूर, ये सब बिल्कुल नहीं हो पाए। बाकी ऐसा कारगिल में भी है, और उस साइड जाएंगे तो उन सब की नाम वगैरह वहाँ है, और वो बंद कर रखा है, नहीं तो मैं आप लोगों को वहाँ जाके दिखाता, समाधि स्थल है वहाँ के पास, चलते हैं एक बारी बस। ये देखो गाइस हम अंदर आ गए हैं, और यहाँ पे सब आर्मी वालों के नाम लिखे हैं, उनकी पोस्ट, उनका नाम, सब चीज़ें लिखी हुई है यहाँ पे। ये सब शहीद हुए थे वॉर के टाइम उस टाइम, और इन सब के लिए इनकी मेमोरी में यहाँ पे बना रखा है। एंड आज भी लगाए जाते हैं जो शहीद होता रहता है, जैसे जहाँ जहाँ जगह है ना वहाँ ही लगाए भी जाते हैं दोबारे। भाई हम 13,200 फीट ऊपर आ चुके हैं, और फिलहाल देखो भाई साइड में हमारे बिल्कुल खाई है प्रॉपर, और कोई रेलिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं खरदुंगला पास, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास है। और ये देखो भाई टाइमिंग 50 मिनट टाइम दिखा रहा है, बस 50 मिनट में अभी खरदुंगला पहुंच जाएंगे। थोड़ा रोड भाई ऐसा ही है, 28 किलोमीटर दूर है खरदुंगला टॉप बिल्कुल, थोड़ा रोड ऐसा ही है इसलिए धीरे धीरे चला रहे हैं, नहीं तो अभी तक तो पहले ही पहुंच जाते। एंड अब आप इंजॉय करो टाइम लैप्स इन पहाड़ों के, बहुत जो बढ़िया बढ़िया टाइम लैप्स है। गाइस फाइनली वी आर एट खरदुंगला पास, एंड अभी वहां लगाता हूँ एक बार गाड़ी को, एंड अपनी गाड़ी के साथ इसकी फोटो लेते हैं। भाई बहुत आईसी रोड हो रखा है, पूरा रोड आईसी हो रखा है, एंड बहुत फिसल रही है। देखो गाड़ी भाई देखे मेरे एक कितनी ज्यादा फिसल रही है गाड़ी, वो ABS मान रही है तो बहुत ज्यादा ही, बिल्कुल बर्फ ही बर्फ पड़ी है ना रोडों पे। अपनी प्यारी स्कॉर्पियो एन के साथ आ चुके हैं खरदुंगला पास, 17,982 फीट ऊपर, और पूरे यहाँ पे रोड में बर्फ ही बर्फ हो रखे, बर्फ ही बर्फ। एंड इतनी खुशी हो रही है ना, क्योंकि हम हाईएस्ट मोटरेबल पास पे आए हैं, जो कि सब लोग नहीं आते हैं, हम आए हैं, तो क्या ही बताओ, अभी इतनी खुशी हो रही है इसको देख के। अपनी गाड़ी के साथ लाइफ टाइम का अचीवमेंट हो गया इस पास पे आने के बाद, भाई देखो बार बार नहीं आया जाता लाइफ में है ना, और ठंड -10-15 डिग्री हो रहा है यहाँ पे,
और बार बार नहीं आया जाता ऐसी जगह पे, और सांस भी नहीं आ रही है। इन दोनों को तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, दोनों ने जैकेट पहन रखी है बढ़िया ढंग से, मेरे को इतनी लग नहीं रही। तो वही है, पूरे में बर्फ ही बर्फ है, और ऊपर मंदिर बना रखा है, बाकी बर्फ से ढका हुआ है पूरा एरिया, पूरी वैली बर्फ से ढकी हुई है। गाइस हम वापस आ चुके हैं अपनी ले मार्केट, क्योंकि हमें वजान प्लेनेट का दोबारा से खाना खाना है, क्योंकि हमें डिनर करना है अपना, मेन तो ये है। और गाड़ी बिल्कुल ऑन रोड लगाई है, देखो कोई दिक्कत परेशानी ना हो बस। पिज्जा खाना ही अच्छा लगा भाई, और किसी का खाना ही अच्छा नहीं लगा हमें। और खरदुंगला होया है देख लो ना, जैकेट जुकेट सब ने डबल डबल जैकेट पहन रखी है, हुडी जैकेट। अब ना चलते हैं कुछ खाते हैं, फिर उसके बाद रूम ढूंढना है, या फिर वापस उसी रूम में रुक जाएंगे जहाँ पे रुके थे पहले। गाइस खाना पीना ऑल डन, एंड हम मार्केट तो सारी क्लोज हो चुकी भाई, पता ही नहीं यहाँ की मार्केट का क्या सिस्टम है। जब मैंने लास्ट टाइम आया था एक साल पहले, मई या जून का टाइम आया था, तो उस टाइम तो यार रात के 9 बजे तक मार्केट खुलती थी, और सुबह भी 9 बजे खुल जाया करती, और बहुत रश रहा करता। पर ना तो आज मार्केट में कोई लोग दिख रहे, ना ही मार्केट खुली है, आधे सूखा सूखा सा हो रखा। और हमें सुबह है ना एक दुकान पे शॉल पता करके आए थे, शायद आगे है शॉल, सोचो भाई तुम ये नहीं है दूसरी थी भाई, तुम अपने ना कमेंट डाउन करके बताओ मेरे को, तुम कितनी महंगी से महंगी शॉल सोच सकते हो। एक पतली सी शॉल थी और उसमें प्रिंट हो रखा था, बस एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, कुछ भी नहीं था वर्क, वैसा वाला एम्ब्रॉयडरी नहीं थी, नॉर्मल एम्ब्रॉयडरी थी। तो सोच लो एक बार और कमेंट करके बताओ, फिर मैं करेक्ट आंसर तुमको कल वाले ब्लॉग में बताऊंगा। एंड अभी तो मार्केट क्लोज हो चुकी है, थोड़ा बहुत घूम लेते हैं यहाँ पे, खाना पच जाएगा, एंड फिर चलेंगे होटल रूम को हंट करने। गाइस खाना पीना कर लिया, अभी अपना होटल रूम पे चल अंदर, रूम टूर देता हूँ तुमको। हाँ देख लो गाइस, ये होता है दोस्त, पूरे टाइम मेरे गए और मेरा ही व्लॉग देख रहा है अभी। तो भाई व्यू नहीं बढ़ाऊं, वही तो कह रहा हूँ। अरे सुबह ना देखो मैंने, इसलिए ये भाई अपना कुछ रूम है, और वहाँ हीटर लग रहा है, वहाँ हमारे बैग वैग रखे हैं, ये अपना कुछ छोटा सा बढ़िया सा प्यारा सा रूम है। एंड गाइस इस ब्लॉग को भी कर लेते हैं यहीं पे एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग, लाइक कर दो, कॉमेंट कर दो और शेयर कर दो, और जो नया है चैनल पे सीरीज को देख के आया है तो सब्सक्राइब कर लो, और जिसने पूरी सीरीज नहीं देखी अभी तक, 5 एपिसोड हो चुके, नीचे है सीरीज की डिस्क्रिप्शन में वो मिलेगी आपको प्लेलिस्ट, या आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। तो देखो एंजॉय करो, बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत बढ़िया सीरीज बनाई है, बहुत मेहनत, पूरी सीरीज देखनी एक एक एपिसोड, बस अब तो कह दी भाई सब कह रहे, तो देखो बढ़िया चीज बनाई है, बढ़िया। अपना क्या है, हम तो बंदे ही हैं मोड़ के, जहां मिलेगा प्यार हम वहीं पे दिल लुटाएंगे।